नमस्कार, गुड मॉर्निंग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुसुम राणा। नजर डालते हैं प्रमुख खबरों पर। सीएम धामी ने शुक्रवार को नियोजित विभाग द्वारा आयोजित एसडीजी गोलकीपर अवार्ड कार्यक्रम में शिरकत की, जहां 27 व्यक्तियों और संस्थाओं को सराहनीय कार्य करने के लिए सीएम ने सम्मानित किया। इस अवसर पर उत्तराखंड एसडीजी इंडेक्स कंपेडियम और एक विशेष सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जारी की गई। भराड़ी सैन की जगह देहरादून में बजट सत्र होने पर एक बार फिर से हरीश रावत ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। हरीश रावत का कहना है कि भराड़ी सैन याचक के तौर पर वरमाला लिए अपने मान्यवरों के स्वागत के लिए एकटक निहार रहा है, लेकिन उसकी माला स्वीकार करने के लिए न सरकार तैयार है और न ही मान्यवर। ऐसी स्थिति में मेरे जैसे व्यक्ति के लिए राज्य की जनता से क्षमा मांगने के अतिरिक्त और कुछ करना शेष नहीं है। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 1 मई के बाद प्रदेश में एक दिन में सबसे अधिक 32 कोरोना संक्रमित मामले मिले हैं। पिछले एक हफ्ते में रोजाना संक्रमितों में बढ़ोतरी हो रही है। केवल एक दिन में ही 5 जिलों में 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उत्तराखंड में ओवर स्पीड के कारण हादसों और इनमें मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चिंताजनक बात यह है कि साल 2021 और 22 में हुए हादसों में 77% सड़क हादसे ओवर स्पीड के कारण हुए हैं और कुल हादसों में मारे गए लोगों में 71% की मौत ओवर स्पीड के कारण हुई है। वहीं देहरादून संभाग में इस बार अप्रैल और मई महीने में 7260 वाहनों के चालान हुए हैं, जिसमें 1466 वाहनों के चालान ओवर स्पीड में हुए हैं। चमोली के नीति घाटी मलारी के दूरस्थ क्षेत्र मलारी गांव में विधिक साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम, स्लोगन प्रतियोगिता समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सिविल जज ने इसकी जानकारी दी है। आगामी 11 जून को नीति घाटी मलारी में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जी, हम लोग दिनांक 11 जून 2022 को मल्लारी ग्राम में एक शिविर आयोजन कर रहे हैं। ये जो शिविर है ये विधिक साक्षरता शिविर है। इसमें हमारे जो एक्शन प्लान है इस महीने का, उसमें 3 टॉपिक्स को कवर करना है। सर्वप्रथम तो ट्राइबल राइट्स है, तो चूंकि ये जो रीज़न है ये पूरा हमारा ट्राइब से बिलोंग करता है, इसलिए हम यहाँ पर ट्राइबल राइट्स की जो जानकारी है वो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाएगी। इसके इतर हमारा एक टॉपिक इलिसिट ट्रैफिकिंग और ड्रग अब्यूज़ पर है, जिसके लिए हमने हमारे जो यहाँ के सीओ साहब से हैं उनसे वार्तालाप की और उन्होंने हम लोगों को वो आश्वासन दिया है कि वो एक जो उनका स्ट्रीट प्ले करता है ये टोबैको के अगेंस्ट जो उनका एक ड्राइव चला था उसके तहत जो स्ट्रीट प्लेज उनके द्वारा किए गए थे वो वहाँ पर किया जाएगा, जिससे लोग वहाँ जागरूक होंगे। साथ ही साथ जो हमारा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण है और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण है, उनके सचिव महोदय या सदस्य महोदय भी वहाँ आ सकते हैं। जो हमारे को पुलिस अमेंडमेंट एक्ट ये 2018 में आया है संशोधित होकर, उस पर जानकारी देंगे। भीषण गर्मी के प्रकोप से हर कोई परेशान है। तापमान बढ़ने का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी दिखने लगा है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में इन दिनों मरीजों की भीड़ उमड़ने लगी है। अस्पताल में एक दिन में करीब 500 ओपीडी के पर्चे बन रहे हैं। वायरल बुखार, खांसी, जुकाम और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों के कई मरीज अधिक संख्या में उपचार के लिए अस्पताल पहुँच रहे हैं। खाली पेशेंट के लिए जो है हम लोगों की रणनीति यही है कि जो पेशेंट है वही यहाँ पर आए, और ओपीडी 400-500 के करीब हमारी रहती है पड़ने की। मरीज आजकल बुखार, खांसी, जुकाम और पेट खराब और इस तरह की ज्यादा आ रहे हैं, और चिकन पॉक्स की भी है। उत्तराखंड संभागीय परिवहन निगम आज वाहनों की नीलामी करने जा रहा है। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और आरटीओ कार्यालय में जो वाहन खड़े हैं उनके सभी के विषय में सब गाड़ियों की जानकारी के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। जो टाइम पड़ रहा है उसमें आदमी अपने अपने स्पॉट पर जा सकता है। गाड़ियों की लिस्ट हमने पूरे अपने चस्पा करी हुई है। हरिद्वार में कल विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होने जा रही है। ये बैठक 11 और 12 जून को निष्काम सेवा ट्रस्ट भूपतवाला में होगी, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से आए 300 से भी ज्यादा संत और महात्मा शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस समय देश में ज्ञानवापी, कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में इस बैठक को कई महीनों से अहम माना जा रहा है। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।